इतना बौखला गए कि एक नहीं दो दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। ये भी हमारे कार्यक्रम की सफलता का एक पैमाना है, ऐसा मैं मानता हूं। मेरा आरोप है कि उन्होंने जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी निराशा को प्रकट किया है, अपनी हताशा को दर्शाया है, वहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। तथ्यहीन तर्कहीन बयानबाजी करके इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। एक भी बात तथ्य पर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बजट के प्रावधान की योजनाओं का शिलान्यास कर दे, एक भी ऐसी योजना का नाम तो बताएं। बस स्टैंड सबसे पुराना है, पर सब जानते हैं बस स्टैंड के लिए भी बजट 2007 से 2012 के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं विधायक था, तब बजट का प्रावधान किया था। सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार में बजट वापस ले लिया था, मैं विपक्ष का विधायक था, मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था। उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बाली जी ने कहा था अब तो 4 लेन टनल बन रही है, अब बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा था तहसील मुख्यालय वहां पर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर वहां पर है, इसलिए बस स्टैंड तो चाहिए ही। तब फिर से बजट का प्रावधान हुआ था और उसके अलावा जो भी बाकी विधायक प्राथमिकता की स्कीम, विधायक प्राथमिकता की स्कीमों को बजट तो सरकार उपलब्ध करवाती है, और ऐसा भी नहीं जिन स्कीमों के शिलान्यास हुए वो सारी की सारी मेरे समय जब मैं विधायक था तब भी विधायक प्राथमिकता में डली हुई, एक एक का ब्यौरा मेरे पास है, चाहे कोई अर्थ भी नहीं होता। जब मैं विधायक था मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी, उन स्कीमों का शिलान्यास तो ये करते थे जो हारे हुए थे मेरे से। उस समय चेयरमैन थे मतलो मझेड़ सड़क, जो मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली थी यही शिलान्यास कर गए थे। अब तो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसलिए गुमराह कर पिछले समय की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। अभी तो सरकार चली, 1.5 साल इस सरकार का बाकी। हमने वहां मंच से मुख्यमंत्री जी ने कहा कोरोना काल के कारण जो कुछ घोषणाएं रही हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा, परंतु दूसरों पर आरोप लगाने से पहले पूर्व मंत्री महोदय को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी सरकार थी, उनके चेयरमैन रहते, उस समय के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जब नैना देवी में आए थे तो वहां के एक सरनी स्कूल को मिडिल करने की घोषणा करके गए थे। सरकार भी चली गई, उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। उसी तरह लाड़ाघाट में भी मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी आए थे तो आईटीआई लाड़ाघाट की घोषणा उन्होंने की थी, उसकी भी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। विधानसभा के चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, खुद तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अधिसूचना तक जारी नहीं करवा पाए। हमारी तो भी सरकार चली, अभी 1.5 साल बाकी, कोरोना काल के कारण कुछ देरी हुई है, परंतु मैं विश्वास जताता हूं मुख्यमंत्री जी ने भरी जनसभा में कहा है एक एक घोषणा पूरी की जाएगी, इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो घोषणाएं पिछले कार्यक्रम की बची है वो भी पूरी होंगी और जो घोषणा इस कार्यक्रम में है वो भी पूरी, परंतु इससे बौखला करके उनको लगता है ये सब हो गया तो धरती किस, इसलिए जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उसकी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। गरा का हाई स्कूल 4 लेन के दूसरी तरफ है, री गांव दूसरी तरफ है, छोटे छोटे बच्चे 5वीं के बाद 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे 4 लेन क्रॉस करके जाने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने उस स्कूल को मिडल किया।